ऑडिशन प्लस। तो आज है एपिसोड 4 और आज है फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेसिकली हम प्रिज्म के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे हम 5 मिनट तक बात करने का, जितना हो सके उतना करेंगे। चलिए प्रिज्म के ऊपर पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रिज्म देखिए, ये ड्रॉइंग दिख रहा है ऐसा, ये एक्चुअली देखिए ट्रायंगुलर दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन में, समझ आया, क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का ही क्लास है, बेसिकली नीट में ट्रायंगुलर प्रिज्म पूछा जाता है। तो मैं साइड ले लिया ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी सी, ठीक है, ए और बी और सी। अब इस पे एंगल एक आई बना के एक इंसिडेंट लाइट मैं पास किया, इंसिडेंट लाइट यहाँ से रे गया आई बना के, किससे, नॉर्मल से। ये तो पता था नहीं, पता तो एंगल आई बन रहा है, देख लीजिए डायग्राम कहाँ से, जो अंदर जा रहा है उसको इंसिडेंट बोल रहे हैं, अंदर जा रहा है यहां से निकल रहा है, कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ वापस, उसको एंगल ई बोला गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टिव सरफेस वन से, इसीलिए आर वन यहाँ पे लिखा गया है। और जब यहां से निकल रहा है, रिफ्रैक्शन होके निकल रहा है, दो अलग अलग मीडिया में जब रहता है तभी तो रिफ्रैक्शन होता है ना, ये पता था, तो यहाँ आर टू लिखा गया, इतना ही जानना है पहले। अब मैं बात बता दूं कि जो ए लिखा गया है ना यहाँ पे एंगल बना के, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको नहीं दिया और बोला कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री। क्यों क्यों, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 60 60 होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, होप आपको क्लियर हुआ। अब मैं बता रहा हूं, इंसिडेंट लाइट अगर यहां से है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सपोज नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से पास कर जाता एकदम सीधा, ठीक है। लेकिन क्या, प्रिज्म के कारण वो वहां से पास नहीं करके यहां से पास कर रहा, मतलब देखिए इसको जाना चाहिए था यहां, लेकिन वो डेविएट हो गया, अपना पथ से डेविएट हो गया ना, तो जितना डेविएट हुआ उसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन भी होप आपको क्लियर हो गया हो, एंगल ऑफ डेविएशन। अब चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता दूं, इसमें आपको और ज्यादा कुछ नहीं जानना है, अब आपको जो जानना है फॉर्मूले जानना है, कॉस देखिए आपको खाली ये जानना चाहिए कि क्या चीज फॉर्मूले में क्या है, और फिजिक्स में इतना ही काफी आपके नीट के लिए और एम्स के लिए भी काफी, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा आप पता चल जाएगा। तो एंगल आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, आई किसको बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस को जोड़ रहे हैं, तो डेल्टा प्लस ए, डेल्टा मतलब डेविएशन का एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। होप आपको समझ आ गया हो, पहला फॉर्मूला आपको ये दिमाग में रखना है, ऐसे रटो ये 5 बार, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, याद हो गया। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव एंगल वन, रिफ्रैक्टिव एंगल टू, आर वन प्लस आर टू हमेशा ए के बराबर होगा, ये मैथमेटिकल प्रूफ है, आप यहां से देख भी सकते हो अगर आपका मैथ तेज है तो। R1 plus R2 is equal to A, हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में R1 plus R2 A होगा और I plus E is equal to delta plus A, ये चीज याद रहेगा ना सारा सवाल बनेगा। ये हो गया, अब मैं यहां तक समझा दिया हूं। अब मेरे को समझाना है म्यू, म्यू किसको बोलते हैं, म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं। स्नेल्स लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो के बाद आप एक बार स्नेल्स लॉ पढ़िए, और ये जो लिखा है ये देखिएगा, साइन आई बाई साइन आर वन, देखिए इंसिडेंट बाई ये रिफ्रैक्टिव, तो ये दो मीडियम के बीच है इसीलिए साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर वन, और यहाँ पे म्यू क्या लिख रहे हैं मैं, साइन ई बाई साइन आर टू, क्लियर हुआ है इतना, बस इतना दिमाग में रखिए कि साइन आई बाई साइन आर वन रहता है म्यू का मतलब, या ई बाई आर टू, दोनों एक ही बात है, बस इतना दिमाग में रहेगा ना क्वेश्चन सारे बनेंगे। ये हो गया, अब मैं एक बात बताऊँ, अगर मिनिमम डेविएशन कराना है, मतलब ये यहां से जा रहा था और एकदम हल्का सा डेविएट हो, मतलब मोस्टली वैसे ही पाथ में जाए और हल्का सा डेविएट हो, तो उसके लिए मेरे को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, डेल्टा और आई का ग्राफ अगर मैं पुट करूं, जब व्हेन आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस जब बराबर होगा तब आपका डेविएशन मिनिमम होगा। तो क्या समझे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या बोला गया है इमर्जेंस, दोनों बराबर होगा तो आपका जाके डेविएशन कम होगा, सबसे कम डेविएशन होगा। तो आपको क्वेश्चन आएगा कुछ इसी प्रकार से कि मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएटिंग एंगल निकालना है, तो अब उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देखता हूँ। अगर आई इज इक्वल टू ओ ई कब हो रहा है, जब मिनिमम डेविएशन है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। तो पहला कंडीशन मेरे को क्या मिला मिनिमम डेविएशन के लिए, आई इज इक्वल टू ई होगा, और दूसरा होता है आर वन इज इक्वल टू आर टू, याद रहेगा ये चीज। अगर आर वन और आर टू दोनों बराबर है तो मैं इसको आर सपोज कर सकता हूँ, आर प्लस आर कितना होगा, टू आर होगा, टू आर इज इक्वल टू ए होता है, तो आर इज इक्वल टू ए बाई टू लिख सकता हूँ या नहीं, यहां तक समझ आया ना, R is equals to A by 2। अब यहाँ I और E बराबर है, समझिए I और E बराबर है, E के बदले मैं I बैठा दूं, E के बदले I पुट कर दिया, 2I is equals to delta plus A, तो I is equals to A plus delta by 2। होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया हो, ये भी क्लियर हो गया, मिनिमम डेविएशन के लिए दो चीज क्लियर हो गया है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं किया, देखिए म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर वन होता है ना, साइन आई बाई साइन आर वन यही लिखा गया है। आर वन और आर टू दोनों बराबर है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो आर वन और आर टू बराबर है तो मैं उसको आर से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो इसमें क्या था, साइन आई बाई साइन आर वन, आई के बदले मैंने पुट किया ए प्लस डेल्टा बाई टू, देखिए ए प्लस डेल्टा बाई टू पुट किया, और साइन के आर के बदले ए बाई टू इतना पुट किया ना, ये म्यू निकल गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मिनिमम डेविएटिंग एंगल इतना दे दिया है और आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है, तो फिर आपका म्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, आपको बोलेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका मिनिमम डेविएटिंग एंगल इतना है, तो आप निकालिए उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो देखिए आपको इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री आपको मिल गया, वहां से ए 60 डिग्री पुट कर सकते हो, और डेल्टा एम आपको कुछ दे दिया है, मान लीजिए कुछ भी दे दिया है, तो आप उससे निकाल सकते हो ना आसानी से। तो म्यू निकालना सीख गए आप, होप आपको यहां तक क्लियर हो गया, मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। अब देखिए थिन प्रिज्म है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन मतलब क्लास 11 12 में पढ़ा है ना कि अगर ये एंगल्स छोटे रहते हैं तो फिर मैं इसमें साइन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, कि साइन थीटा इज मतलब ऐसे लिखते हैं ना, साइन थीटा ऐसे एरो देके थीटा बोलते हैं, थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं ना थिन है अगर एंगल बहुत छोटा है तो। तो यहीं पे कुछ ऐसा ही काम है, जैसे 4 डिग्री या 4 डिग्री 5 डिग्री तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इतना समझिए आप पहले। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए साइन साइन दोनों जगह से हट गया, इमेजिन के लिए साइन साइन दोनों जगह से हट गया, म्यू के लिए हट गया, तो ऊपर क्या लिखा है ए प्लस डेल्टा बाई टू, यहाँ पे अगर होगा मान लीजिए ए प्लस डेल्टा बाई टू लिखे होंगे और नीचे ए बाई टू, और टू टू कट गया और ए नीचे आ गया, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू लिख सकता हूँ ना, यहां तक समझ आया। अब क्या होगा, अब मैं म्यू को मल्टीप्लाई किया इधर ए से, म्यू ए हो गया और डेल्टा एम था ठीक है, और ए को इधर भेज दिया, म्यू ए माइनस ए आ गया था, तो कॉमन लिया डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। ये एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो जो लिखा हो ना, सबसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्या आता है, अब एक नया चीज आ रहा है इधर, अब आपको थोड़ा सा समझना है कि ये मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा थीटा, थीटा क्या चीज के लिए यूज किया गया पता है आपको, नहीं पता होगा कोई बात नहीं अभी बता रहे हैं, ये डिस्पर्शन के लिए यूज किया गया है, डिस्पर्स कर रहा है मतलब क्या, वो जो स्प्लिटिंग वाला जो पढ़ा है ना कि ये प्रिज्म से पास किया 7 कलर में बट गया, तो 7 कलर सबका अलग अलग वो सब होता है आप, डिस्पर्शन डेविएशन होता है सबका अलग अलग डेविएशन हो रहा है ना, हाँ तो इसमें कुछ नहीं है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये लिखा कुछ नहीं लिखा। देखिए थीटा मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, यहां से इंसिडेंट लाइट किया, ये स्प्लिट हो गया, इधर से ऐसा रे निकला ऐसा रे निकला, सपोज करिए तो ये लोग के बीच देखिए डिस्पर्सन हुआ है ना, डिस्पर्सन, तो अब इस डिस्पर्सन को कितना डिस्पर्सन हुआ उसको थीटा बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है थीटा, तो अब एक का डेविएशन और दूसरा का डेविएशन से मैं माइनस कर दूंगा, मैक्सिमम डेविएशन माइनस मिनिमम डेविएशन, तो मेरे को निकल जाएगा ना कि कितना डेविएट हुआ है आपका, डिस्पर्स हुआ है मतलब कितना डिस्पर्स हुआ है, क्योंकि दो डेविएशन से माइनस करूंगा तो कितना बीच में जो गैप है डिस्पर्शन का वो निकलेगा, कुछ नहीं करना है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब मैं इधर से डेल्टा का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए म्यू माइनस वन, वही किया गया एकदम इजी, डेल्टा वी के बदले आप एक बार पुट करिएगा अपने कॉपी में, ए वी लिखिएगा, म्यू वी माइनस वन लिख दीजिएगा ठीक है। अब डेल्टा आर के बदले पुट करिएगा इधर ए आर और म्यू आर माइनस वन, म्यू आर माइनस, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार वापस से स्टार्ट करिए देखना, म्यू आर माइनस वन, इस दोनों में ये वैल्यूज पुट करिएगा, डेल्टा वी का ये वाला वैल्यू वो जो था और डेल्टा आर का वो वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, देखिए ये निकलेगा, कॉमन लेके निकालिएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला निकला है ना, ये क्या चीज का निकला है, डिस्पर्सन का निकला, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर ये क्लियर हो गया होगा शायद। अब ये लिखा है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर बेसिकली क्या किया, एकदम फॉर्मूला याद रहना चाहिए, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन, म्यू क्या है, म्यू इज द मीन, मीन कैसे निकालते हैं, कोई भी दो एक्सट्रीम को जोड़ के डिवाइडेड बाय टू, तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय टू, क्यों म्यू वी और आर लिया, विप जी और पढ़ा है ना, वी है और आर है लास्ट एक्सट्रीम्स है दोनों, तो एक्सट्रीम्स ऑफ डिस्पर्सन यही दोनों है वी और आर, इसीलिए यूज किया गया डिस्पर्सिव पावर। क्वेश्चन डिस्पर्सिव पावर से इतने देखे नहीं है, लेकिन अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीट 2017 2015 बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब क्या,
डिस्पर्स हो रहा है बट डेविएट नहीं हो रहा है, अपना जगह से डेविएट नहीं हो रहा है। तो अगर अपना जगह से डेविएट नहीं हो रहा है तो देखो डेविएशन मतलब टोटल डेविएशन जीरो हो रहा है ना उसका, हिल रहा है शायद कैमरा इसीलिए बोल रहा हूँ, टोटल डेविएशन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। टोटल डेविएशन अगर जीरो हो रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें समझने का बात आता है, दो प्रिज्म लगा दिया, क्वेश्चन आएगा दो टू प्रिज्म को लगा दिया गया है, सपोज ऐसे प्रिज्म को लगा दिया गया है, एक प्रिज्म और कैसे बनाए हम आपको ये तो देखिए, दूसरा प्रिज्म ठीक है, दो प्रिज्म है, दो ग्रुप अलग अलग ग्लास के दो प्रिज्म है लगा दिया गया है, बोला कि यहां से लाइट पास हुआ, ये डिस्पर्स किया, यहां से डिस्पर्स हुआ बट डेविएट नहीं हुआ अपना जगह से, यही लिखा है ना, हाँ डेविएट नहीं हुआ। डेविएट अगर नहीं हुआ तो दोनों का डेविएशन अगर मैं मिला दूं इस प्रिज्म और इस प्रिज्म का, जीरो ही रहेगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो, ये दिमाग में रखना। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या लिखा था इधर, ए इंटू म्यू माइनस वन, ए इंटू म्यू माइनस वन लिखा था ना, तो एक प्रिज्म का ए इंटू म्यू माइनस वन प्लस दूसरा प्रिज्म का ए इंटू म्यू, ए टू इंटू म्यू टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। सब वैल्यूज दिया रहेगा भाई, तुमको चिंता का बात नहीं है, पहला प्रिज्म का वैल्यू दिया रहेगा, पहला प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन भी दिया रहेगा, समझ आया कि पहला का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा, म्यू भी दिया रहेगा, खाली तुमको फॉर्मूला पुट करके आंसर को निकालना है बाहर और कुछ नहीं करना है। ए इंटू म्यू माइनस वन प्लस ए टू इंटू म्यू टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखो इधर गया नेगेटिव हो गया, देखो अरेंज कर सकते हो ना, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन से घबराने का नहीं है, माइनस में आएगा लेकिन आंसर प्लस में मार के आना है भाई, माइनस तीन डिग्री ऐसा कुछ नहीं होता है, पता है ना। माइनस बोला गया कि दो प्रिज्म उल्टे हैं, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब देख रहे हो ना, इसका एक एक्सट्रीम यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे, बस उसी लिए माइनस आया और किसी चीज के लिए नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन 2017 में क्वेश्चन आ चुका है इससे। अब मैं बात करता हूँ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन अगर हो रहा है, देखो डेविएट कर रहा है बट डिस्पर्स नहीं कर रहा है, डिस्पर्स नहीं कर रहा है मतलब इसका थीटा और इसका थीटा अगर मैं जोड़ूंगा जीरो होना चाहिए, तो वही लिखा हूँ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। और थीटा का वैल्यू क्या है भाई, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, पुट किया म्यू ए वन म्यू वन पहला प्रिज्म का दूसरा प्रिज्म का दोनों को जोड़ा और जीरो, घुमा दो वही चीज कहानी आएगा। होप आपको समझ आया हो। अब मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ नीट 2017 के क्वेश्चन को, अगर ट्राई करूंगा पब्लिश करने का, देखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये सॉल्व नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लेना मुझसे कुछ, अगर कोई भी डाउट हो मिस्टर मेडिको पे मैं हूं, जरूर पूछ लेना, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर जरूर कर लेना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।